भागलपुर में दिन दहाड़े डकैती, पहले परिजनों को पीटा, फिर लॉकर की मांगी चाबी और लूट लिए जेवरात व नगद। भागलपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र के गुरु नानकपुरा कॉलोनी में रिटायर्ड मार्केटिंग ऑफिसर सुभाष चंद्र झा के घर में डकैतों ने बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया है। 12 बजे दिन में तीन डकैत घर में प्रवेश किए और पहले उनकी पत्नी का मुंह दाब कर धमकाया कि अगर हल्ला करोगी तो तुम्हारे पति को गोली मार देंगे, और उसके बाद उनके पति और महिला को डकैतों के द्वारा पीटा गया। वहीं उसके बाद 1.5 लाख रुपए कैश और 9 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए। जाने के क्रम में डकैतों ने पति और पत्नी को बांध भी दिया था। वहीं डकैतों के जाने के बाद गृह स्वामी के द्वारा आसपास के लोगों को सूचना दी गई। इसके बाद लोगों ने थाने को खबर दी। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। और कुछ संजय हम लोग लेटे हुए थे तो ये ऊपर वाला ग्रिल मेरा बंद था तो खोला तो आवाज हुआ तो साहब उठ के निकले कि कौन है जी। तो जब तक ही निकले तब तक दो लड़का 20-25 बरस उम्र का अंदर घुस के वो रूम घुस गया था। तो ये बोलते हैं कौन घुस गया, तब तक हम भी निकले। बस आके हमको एक लड़का मुंह दाब दिया और बोला हल्ला करोगी तो तुम्हारे सिंदूर को गोली मार देंगे, और इनको गिरा के और कंठ में एगो रिवॉल्वर था वो सटा दिया। उसके बाद हमको बोला कि पैसा दो, हमने पैसा कहाँ से आएगा, हम लोग रिटायर आदमी हैं। बस मुहे में मुक्का लेके मारना शुरू किया, मुक्के मुक्का मारना शुरू किया। कितना का ले गया लूट? 1.5-2 लाख रुपया कैश और 8-9 लाख का जेवर। 9 लाख का जेवर? जेवर। क्या अपराधी था? 3। कितना देर पहले? आधा घंटा पहले। दिन दहाड़े ये लूट अभी हुआ है सर, अभी। क्या नाम है आपके पति का? सुभाष चंद्र झा। क्या करते थे वो? रिटायर्ड एमओ है और अभी वकालत करते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर? हाँ, अभी वकालत करते हैं। आप ही दोनों रहते हैं? हाँ, यहाँ हम ही लोग रहते हैं, बच्चा सब दिल्ली में रहता है, बाहर रहता है। आपका क्या नाम होता है? गीता झा।